अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को पांचन भाई नुमान के साथ वेलकम कहते हैं आपको। आज हम नाज बो के बीज सेव करने आए हैं, मतलब कैक करने आए हैं, उनको आपको दाने आए हैं, उनके बीज किस तरह के होते हैं, उनको किस तरह आपके अपने पौधे से ताड़ कर सेव कर सकते हैं, किस तरह पकते हैं। ये अभी फूल खिलने शुरू हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के होते हैं, देख लें, अब ये कलियाँ लगनी शुरू हुई हैं, उसके बाद ये कलियाँ खिलती हैं। कैसे ये खिल रही हैं आपके सामने देख लें, मैं आपको और पास करके शो कर देता हूँ। ये देख लें, इस तरह ये कलियाँ खिलती हैं। खिलने के बाद इसकी हालत आपके सामने इस तरह की हो जाएगी। देखें, ये पकने लग जाएंगे, ये पक चुके हुए हैं। इनको आपने ताड़ कर सेव कर लेना है। इनके अंदर बीज होंगे, कैसे सदाबहार के बीज होते हैं उस तरह के बीज होंगे। अब इसे हम काटेंगे कटर की मदद से। ये देखें, यहाँ से मैं इसको काट दूँगा। ये लें, देखें मैंने काट लिया, और काट कर मैं इसको यहाँ रख दूँगा, और रखने के बाद मैं इसको यहाँ से हाथ की मदद से साफ़ करूँगा। ये देखें, ये देखें, ये बीज है भाई इसका, ये आपको नज़र आ रहा है, देखें ये इसका बीज है, ये एक बीज है इसका, देख लें। इस तरह के इसके बीज बाकी होंगे। मैं अभी इसके सारे बीज कैट कर लूँ तो फिर मिलता हूँ। ये यहाँ पे काफ़ी बीज के लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इन बीजों को मैं यहाँ से कैट कर लूँ पहले, उसके बाद मैं ज़रा फिर आपको सारे बीज शो करता हूँ। चलें, मैं सारे बीज काट लूँ पहले, फिर मैं आपको मिलता हूँ ज़रा। ये देखें, मैंने आपको चेक करता हूँ, देखें मैं सारे बीज अटैम्प्ट कट कर चुका हूँ। अभी इनको बस खोलना है, इनको साफ़ करना है, लेकिन मैं ये साफ़ खुद बैठ कर कर लूँगा, इसलिए लेकिन मैं आपको कुछ पीस के शो कर देता हूँ अभी। ये देख लें, ये देखें, ये इसके बीज हैं भाई, देख लो कैसे सतहबार का बीज होता है उस तरह का इसका बीज है। ये मैं आपको पकड़ के बताता हूँ, ये देखें इसका बीज है, देख लो। चलें, ये इसके बीज होते हैं भाई, ये देख लें, आप देख लें कितने ज़्यादा बीज इसके जूद हैं अभी, कि मैंने अभी कैट करने हैं। मैं चले वीडियो कमल कर लेता हूँ, उसके बाद इसको कैट कर लूँगा। इन बीजों को आप बाहर के मौसम में गो करें, आपकी ये अच्छा होगा। उससे पहले आप इनको गो ना करें, मैं आपको यही राय दूँगा। सर्दियों में ये पौधे ख़त्म होने लग जाते हैं आपके। इनको आप शेरिया एरिया के अंदर रखते हैं, कहाँ पर ओस ना इन पर गिरे, तो इनको कुछ नहीं होगा। और दूसरा काम ये करें कि आप इनके ऊपर फूल और बीज लगे हुए हैं, उनको काट दें आप। कब सर्दियाँ मतलब धून शुरू हो जाए, ओस शुरू हो जाए, तब ऊपर के बीज लगे हुए काट दें। क्यों? ये अपनी गोट शुरू कर लेंगे नमी, और ये अपने आप को सेव कर लेंगे पौधे। फिर इन पौधों को कुछ भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और गोटी काट के इनको गोबर खाद दे रहे, इन पौधों को कुछ नहीं होने वाला, फिर ये बात याद रखिएगा। रात को उनको अंदर रख जाएं, और सुबह इनको आकर सनलाइट में रख दें। धूप निकली हुई है, तब नहीं निकली हुई तो अंदर ही पड़ा रहने दें इनको। चलें, ये हमने आपको बीज कैट करना सिखा दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मुलाकात मिले करेंगे आपसे। इन बीजों को आप किस में मर्जी डाल कर रख लें, सेव कर लें बॉडी बैंक के अंदर, किस में मर्जी, इनको कुछ नहीं होता। ये बीज बहुत शांत से ग्रो होने वाले बीज हैं। चलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।